सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दांतों में लगे हुए पायरिया का बहुत ही आसान और घरेलू उपचार। दांतों में पायरिया की वजह से जो पस पड़ जाती है उसके कुछ रामबाण उपाय हम आपको बताएंगे, जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से दांतों की इस बहुत गंभीर और बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं। दोस्तों, दांतों में पस पड़ना या पायरिया लग जाने का जो कारण है वो मसूड़ों में जलन होने के कारण और टूटे हुए दांत के कारण होता है। दांत में पस पड़ जाना या पायरिया हो जाना उसका मुख्य रूप से एक प्रकार का ये संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, जो मसूड़ों और दांतों की जड़ों के बीच होता है। इसके कारण दांत के अंदर पस बन जाता है, जिसके कारण दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है और ठंडा या गर्म जो भी कुछ हम खाते हैं वो हमारे दांतों में लगने लगता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ दर्द होता है। जिस दांत में पायरिया लग जाए या पस पड़ जाती है उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं और वो बढ़ता रहता है, जिसके कारण जो दांतों को सहारा देती है उन हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है। समय पर उपचार ना किया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारे सारे दांत गिर सकते हैं, टूटकर बाहर निकल सकते हैं और दोस्तों बहुत ही कम समय में यानी कम उम्र में ही हम बूढ़े नज़र आने लगते हैं। मुंह से दांत टूटने के बाद मुंह में यदि एक भी दांत ना रहे इस बीमारी के कारण तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसका इलाज तुरंत ही करवा लेना चाहिए। दांतों की जो सबसे खतरनाक और सबसे गंदी बीमारी है वो है पायरिया या दांतों में पस पड़ जाना, तो इसका वक्त रहते ही तुरंत ही इलाज करवा लेना चाहिए, अन्यथा इसके रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके कारण, ताकि आप सचेत रहें और अपने दांतों में बीमारी होने से बचा सकें। दांतों में पस होने के कारण यानी पायरिया होने के कारण मसूड़ों की बीमारी, मुंह की सफाई ठीक से ना करना, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होना, टूटा हुआ दांत, मसूड़ों में सूजन और जलन, दांतों में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा चिपचिपे पदार्थ, अधिक मात्रा में खाना, दोस्तों ये सब कारण हैं जिनकी वजह से दांतों में पस पड़ जाती है और पायरिया लग जाता है। दांतों में पस यानी पायरिया होने के कारण जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। इस दर्द को रोकने के लिए लोग तरह तरह के उपचार भी करते हैं, लेकिन अंत में दर्द बढ़ता ही जाता है और एक एक करके दांत टूटने लगते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बेहतरीन और घरेलू और बहुत ही शानदार और कारगर उपाय, इनको इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम से, इस बड़ी बीमारी से, दांतों की इस बड़ी समस्या से बहुत आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं और दांतों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। पहला उपचार, लहसुन। दोस्तों, आपके दांत में बहुत अधिक दर्द हो रहा है पायरिया की वजह से या दांतों में पस पड़ने की वजह से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कच्चे लहसुन की एक या दो कली लें और इसे अच्छे से बारीक पीस कर उसको निचोड़कर इसका रस निकालें और इस रस को मसूड़े के प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। यह घरेलू उपचार दांत के दर्द में जादू की तरह काम करता है। दूसरा उपचार, लौंग का तेल। लौंग का तेल भी इन्फेक्शन रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार है और दांतों के दर्द में तथा मसूड़ों की बीमारी में बहुत ही अच्छा उपचार भी है। आप थोड़ा सा लौंग का तेल लें और इस तेल को धीरे धीरे उंगली की सहायता से अपने दांतों और मसूड़ों के ऊपर मालिश करें। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपको दांतों की में जो पड़ी हुई पस है वो ख़त्म होगी या दांतों में जो पायरिया की बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी और दांतों में दर्द भी नहीं रहेगा। इसके अलावा नारियल के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑयल पुलिंग एक ऐसा घरेलू उपचार है जो दांतों की हर बीमारी के लिए सहायक है। इसमें आपको सिर्फ नारियल के तेल की आवश्यकता होती है। आप एक चम्मच नारियल का तेल लें और इसे अपने मुंह में रखें और धीरे धीरे उसको पूरे मुंह में चलाते रहें। इसको
निगलना नहीं है, और इसे लगभग 30 मिनट तक अपने मुंह में रखिए और मुंह में धीरे धीरे इसको चलाते रहिए, और फिर इसके बाद इसको थूक दें, मुंह को साफ़ कर लें, धो लें। दोस्तों निश्चित रूप से आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पायरिया का रोग ख़त्म होगा जड़ से, और दांतों में जो पस पड़ गई है पायरिया की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी और आपके दांत फिर से बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा पीपरमेंट ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दांत के दर्द में पीपरमेंट ऑयल जादू की तरह काम करता है। आप अपनी उंगली के पोरों पर कुछ तेल लें और इसे धीरे धीरे प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथ से मलें। इससे आपको दांतों के दर्द से तुरंत आराम मिलेगा और पायरिया और पस जैसी प्रॉब्लम तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। सेब का सिरका भी दांतों के इस बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों दांतों में पस होने पर या पायरिया होने पर एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका एक बहुत ही प्रभावशाली उपचार है, चाहे वे प्राकृतिक हो या ऑर्गेनिक, यह बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले आए, मेडिकल स्टोर से यह आसानी से मिल जाता है, और इसे कुछ समय के लिए आप अपने मुंह में रखें और फिर इसे थूक दें, इसे निगलना नहीं है। इससे प्रभावित क्षेत्र में जो रोगाणुओं से आपके दांतों में पस पड़ गई है या पायरिया हो गया है वो रोगाणु तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगे और आपके दांत रोगाणुओं मुक्त हो जाएंगे, और आपके दांतों में जो मसूड़ में सूजन है, पस पड़ गई है या पायरिया आपके दांतों में लग चुका है वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय आप जितने भी हमने आपको बताए हैं सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। इनमें से कोई भी नुस्खा जो आपको फिट बैठता है, आपको सही लगता है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं वो आप कर लीजिए और अपने दांतों की इस तमाम तरह की बीमारियों से अपने दांतों को बचा सकते हैं। दोस्तों इन नुस्खों से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको जो भी नुस्खा अच्छा लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताए गए नुस्खे आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।